प्रयास भी किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त बल था, सादा लिबास में था, तो ये लोग जीवित नहीं कर पाए, सभी लोग धरे गए। और गाड़ी में से ये सारी रिकवरी हुई है, और कुछ रिकवरी इनके चिन्हित होने पर जो इनके घर थे वहाँ से हम लोगों ने रिकवर किया है। रिकवरी में अभी इनके पास 2 अग्निशास्त्र रिकवर हुए हैं, 6 कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं, 10 लाख रुपया रिकवर हुआ है, तकरीबन $1700 और 250 यूरोज जो कि विदेशी करेंसी है इनसे रिकवर हुई है, और तकरीबन आधा केजी से ऊपर सोना और 300 ग्राम से ऊपर चांदी जो कि इन्होंने विभिन्न जगह से लूटा हुआ था वो रिकवर हुआ है। तो उसकी कीमत का हम लोग आकलन करवा रहे हैं। इन लोगों ने भी कुल 9 कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है, जिसमें हाजीपुर में जो फर्नीचर वाला हुआ है वहाँ से भी जो ज्वेलरी गई है वो रिकवर हुई है, मुजफ्फरपुर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना में 5 जगह पे हुआ, रूपसपुर में, राजीव नगर में हुआ, अगमकुआ में हुआ, बख्तियारपुर में हुआ। तो टोटल 9 इन्होंने स्वीकार किया है, और इसमें टोटल 4 इनके मेंबर पकड़े गए हैं, चारों पटना ज़िला से संबंधित हैं। एक का नाम कृष्णा कुमार है जो कि संपत चक का है, एक का नाम राम किशोर है जो कि पटन देवी गुलजार बाग का है, एक मुन्ना यादव है, और एक है आपका कुंडा जिसका असली नाम रोशन कुमार है।